नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट चांस म्यूचुअल। आपके साथ मैं हूं रीना। ज्योतिष शास्त्र की तरह वास्तु शास्त्र में भी व्यक्ति के जीवन से नकारात्मकता को दूर कर सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करने पर जोर दिया जाता है। शास्त्रों में कहा गया है कि जिन घरों में साफ सफाई के साथ सकारात्मकता का वास होता है, वहाँ माँ लक्ष्मी स्वयं निवास करती है। लेकिन घर में नकारात्मक ऊर्जा होने पर घर में कलह और कलेश रहता है और अलक्ष्मी का वास होता है। वास्तु शास्त्र में बेडरूम को लेकर भी कुछ नियमों के बारे में बताया गया है। कहते हैं कि बेडरूम में बेड के नीचे रखा कुछ सामान व्यक्ति के जीवन में नकारात्मकता को बढ़ावा देता है। इससे परिवार के सदस्यों की तरक्की रुकने लगती है और सुख समृद्धि भी थोड़ी दूर चली जाती है। आइए जानते हैं वास्तु के अनुसार बेड के नीचे किन चीजों को रखना मना है। इलेक्ट्रॉनिक सामान। वास्तु के जानकारों का कहना है कि घर के बेडरूम में बेड के नीचे किसी भी तरह के इलेक्ट्रॉनिक सामान ना रखें। इससे वास्तु रोष उत्पन्न होता है, साथ ही व्यक्ति की मानसिक स्थिति बिगड़ती है और व्यक्ति को नींद न आने की समस्या शुरू हो जाती है। कपड़ों की पोटली। अक्सर लोग घर का एक्स्ट्रा सामान पलंग के नीचे रख देते हैं। कई बार परिवार के सदस्यों के फटे पुराने कपड़ों की पोटली बनाकर भी बेड के नीचे घुसा देते हैं। वास्तु में इसे ठीक नहीं बताया गया है। कहते हैं कि इससे नकारात्मक ऊर्जा फैलती है। इतना ही नहीं, ये वास्तु दोष घर की सुख शांति भी छीन लेता है। वास्तु के जानकारों का कहना है कि पलंग के नीचे जंग लगे लोहे और प्लास्टिक का कोई भी सामान ना रखें। कहते हैं कि इससे उत्पन्न होने वाली आर्थिक तंगी से व्यक्ति की समस्याएं बढ़ जाती है। साथ ही पलंग के नीचे प्लास्टिक चीजें रखने से वास्तु दोष का खतरा भी उत्पन्न होता है। इसके अलावा झाड़ू। वास्तु शास्त्र के अनुसार पलंग के नीचे झाड़ू रखना भी शुभ नहीं माना गया है। कहते हैं कि पलंग के नीचे झाड़ू रखने से मन और मस्तिष्क पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, साथ ही आर्थिक समस्याएं भी बनी रहती है। घर का कोई ना कोई सदस्य बीमार रहने लगता है। और इसके अलावा जूता चप्पल और तेल। शीशा। वास्तु के जानकारों का कहना है कि पलंग के नीचे कभी भी सोना चांदी या अन्य धातु की वस्तुएं दूर कर भी ना रखें। इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। इसके अलावा किसी भी प्रकार का शीशा तेल आदि रखने से भी परहेज करना चाहिए। वास्तु के दृष्टिकोण से इसे हानिकारक बताया गया है और अपने जूते चप्पलों को भी घर के बाहर ही उतारे, अपने बेडरूम के बाहर रखें। अगर आपको हमारी ये जानकारी अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और हमारे आने वाले वीडियोस के अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।